हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जून, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले चक्रवात तूफान बिपरजॉय की बात करें तो कल शाम को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ तट पर बिपरजॉय तूफान लैंडफॉल कर चुका है, यानी कि समुद्र से निकलकर ये धरती से टकरा चुका है। शुरुआत में 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और स्थितियों का जायजा भी लिया। काफी भयंकर तबाही मचाई इस तूफान ने शुरुआत में ही। देखिए, कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ उखड़ गए, मकान टूट गए। ये तबाही के कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। गुजरात भुज में 200 से भी ज्यादा बिजली के पोल गिर गए और अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 22 से भी ज्यादा व्यक्ति इस तूफान में घायल हो गए। इतनी तबाही मचा रहा है ये चक्रवात तूफान। गुजरात तट पर लैंडफॉल के बाद आधी रात तक ये तूफान का भयंकर कहर जारी रहा। उसके बाद ये तूफान गुजरात से दूसरे राज्यों की ओर भी आगे बढ़ रहा है। कई इलाकों में समुद्र का पानी भी घुस गया। इस तूफान के टकराने के साथ ही तेज हवाओं से पेड़, टावर और बिजली के खंभे भी गिरे। देखिए, बिपरजॉय तूफान राजस्थान में भी एंट्री होने जा रहा। आंधी बारिश शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी कैंसिल किया गया, बाजार भी बंद रहेंगे। जैसलमेर में 100 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। इसी तूफान के असर को देखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी की 16-17 जून को होने वाले एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इस तूफान की वजह से राजस्थान के भी कई जिलों में मौसम बदलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तूफान को लेकर स्थितियों का जायजा लिया, तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत भी की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवाती तूफान का असर गंभीर देखने को मिलेगा। प्रदेश में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी। इसके अलावा भी हरियाणा में 19 जून तक बारिश के आसार है इस तूफान के चलते। और ये साइक्लोन बिपरजॉय बिहार में भी मानसून को रोक रहा है। अगले 5 दिनों तक बिहार में हीट वेव चलेगी। 18 जून से मानसून में सुधार होने की संभावना है। गुजरात में तो इस बिपरजॉय तूफान के चलते इतना ज्यादा नुकसान हो रहा मानो लॉकडाउन से लग गया हो। हर दिन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि बाजार बंद कर दिए। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा। और इसलिए इस तूफान की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा असर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के माने दोस्तों तो ये तूफान का असर भारत 10 और राज्यों में देखने को मिलेगा, गुजरात के अलावा भी, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य शामिल हैं। इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश और हवाएं चलेगी। और न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस चक्रवाती तूफान का कहर और खतरा देखा जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की सेना ने दूर हटाया। समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात के अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश देखने मिलेगी। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। हाँ ना, तो ये तो तूफान का लाइव अपडेट मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब खाने के तेल सस्ते होंगे। सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल पर यह फैसला लिया है और इस फैसले के तहत आयात शुल्क यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। इन तेलों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी पर 5% की गिरावट की है। जो पहले 17.5% थी वो अब घटकर 12.5% ही रह चुकी है। अभी हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर, यानी कि सबसे ज्यादा तेल का आयात करता है और इंपोर्ट ड्यूटी पर कटौती करने का असर तेल की रिटेल कीमतों पर देखने को मिलेगा और उम्मीद है जल्द ही खाने के तेल सस्ते होंगे। है ना, और अगली खबर देखिए आप, स्वदेशी कंपनियां बनाएगी अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच। सरकार ने लक्ष्य तय किया, साल 2029 तक 80 ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा वंदे भारत का। पूरे देश में तेजी से ट्रेनों का आवागमन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। अच्छा, अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण खुलने जा रहा 19 जून से 23 तारीख तक, यानी 23 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। 5 दिन तक ये ओपन रहेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो कि सरकार की ये खुद की स्कीम है, इसके जरिए अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आप डिजिटली तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। 99.9% शुद्ध सोने में निवेश कर सकते हैं आप इस स्कीम के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अंतिम मुहूर्त लगा दी है, जल्द ही CCS की मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन इस सौदे को तो रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए, इन ड्रोन की खासियत क्या है, 35 घंटे तक हवा में रह सकता है, 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी रखने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर जाएंगे और उससे पहले ये भारत अमेरिका के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा तय हुआ है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 5G इंटरनेट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5G टेक्नोलॉजी सुनहरे भविष्य का सपना साकार करेगी और 5G के जरिए जल्द ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि अगले साल 2024 में हमारे देश में बंपर नौकरियां निकलेगी, अलग अलग कंपनियां रिक्रूटमेंट करेगी, हायरिंग करेगी। अच्छा, वह देखिए, फ्री राशन लेने वालों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने सस्ते गेहूं, चावल की बिक्री पर रोक लगा दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS के तहत सेंट्रल पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है और सरकार के इस फैसले का असर जो गरीबों को मुक्त अनाज दिया जाता ना, मुक्त राशन योजना के तहत, इस योजना पर पड़ेगा। कर्नाटक समेत देश के कुछ राज्यों में इसका असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना कि इस तरह से अभी भी राज्यों को सस्ता अनाज और गेहूं मिलता रहेगा, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर गया है ना। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, होंडा कंपनी ने यूनिकॉर्न 160 नई बाइक लॉन्च कर दी है। 10 साल की वारंटी के साथ मिलेगी आपको। OBD
GD2 कंपेटेबल इंजन आएगा, 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा, कीमत इसकी 1,10,000 रुपए। और वैसे सरकार ने हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के खिलाफ एक जांच का आदेश दिया है, फंड डाइवर्जन से जुड़ा एक मामला है। और इस खबर के सामने आने के बाद हीरो कंपनी के स्टॉक में 3.58% की गिरावट भी देखी गई। वैसे स्टॉक मार्केट की बात हो रही तो आपको मार्केट से भी कुछ अपडेट बता देता हूं। देखिए BSE लिस्टेड स्टॉक्स का एक नया रिकॉर्ड बना है, मार्केट के पहली बार 292,00,000 रुपए पर पहुंच चुका है। और सुलजोन कंपनी के भी शेयर में इस साल निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला, पिछले एक महीने में ही पैसा डबल हो गया, निवेशकों के 1,02,00,000 बन गए, कंपनी को 6 साल बाद मुनाफा हुआ है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी के लिए डिनर भी होस्ट करेगी जो बाइडेन की फैमिली, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 21 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के दौरान बाइडेन जिल के मेहमान होंगे और अगले दिन स्टेट डिनर पर भी जाएंगे। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, खेल समाचार से अपडेट आ रहा कि एशिया कप का शेड्यूल जारी हो चुका है, ये श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा, लेकिन भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, यहाँ तक कि एशिया कप का फाइनल भी श्रीलंका में ही होगा। 17 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। एशिया कप 2023 में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, भारत ने अब तक 7 बार एशिया कप को जीता है और इस बार भारत के साथ जो भी मैच होंगे एशिया कप में वो श्रीलंका में ही खेले जाएंगे, पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। अच्छा वही बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड का पुरोला और आसपास का इलाका बंद रहा, महापंचायत रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई, जिसका विरोध भी किया, भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान उदयपुर का दौरा करेंगे 27 जून को, भाजपा के मिशन 2023 को लेकर 8 विधानसभा क्षेत्रों के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। अच्छा खबर है कि BCCI ने जारी किया लीड स्पॉन्सर के लिए टेंडर, अल्कोहल तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां इस बार क्रिकेट मैच के स्पॉन्सर के लिए बोली नहीं लगा सकेंगी। वहीं खबर आ रही कि राजस्थान में जल्द ही जातिगत जनगणना भी हो सकती है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले जिसका जितना हिस्सा उसे उतना आरक्षण मिलेगा, बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने का फंडा लाएगी। वहीं खबर है कि राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद में IT कैडर की होगी स्ट्रेंथनिंग, अजमेर शहर में बनेगा शिक्षा अधिकारी कार्यालय, निष्पादक समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। साथ ही राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी श्री गंगानगर में महारैली का आयोजन करेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान भी आएंगे। अच्छा बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कि वो जल्द ही एकांतवास में जाएंगे और सनातन धर्म पर एक किताब भी लिखेंगे। एक स्टूडेंट गंगोत्री से कलश लेकर उनसे मिलने पहुंची जो कि MBBS की स्टूडेंट है और उसने कहा कि उनके दर्शन होकर रहेंगे। अच्छा मध्य प्रदेश में देखिए एक नया नियम लागू कर दिया सरकार ने, ठेकेदार नहीं वसूल सकेंगे बाजार बैठक तह बाजारी शुल्क, निगम आयुक्त नगर पालिका नगर परिषद को इस संबंध में MP सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है सीखो और कमाओ लर्न एंड अर्न करके, तो इस योजना में 15 जुलाई तक युवा पंजीकरण करा सकते हैं, 29 वर्ष तक के युवाओं को इस योजना में ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही ट्रेनिंग के दौरान भी हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए प्रति महीना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कक्षा 12वीं या उससे कम उत्तीर्ण छात्रों के लिए अलग अलग डिटेल आप देख सकते हैं। इस योजना के लिए अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में पंचायत उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, 9 जुलाई को 1958 पंच और 18 सरपंचों के लिए वोटिंग होगी अगले महीने, चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में खुलेगी ओपन जेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया प्रिजन एक्ट तैयार करने के निर्देश दिए और सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे अब कारागार, यानी कि जेलों को सुधार गृह के रूप में संबोधित किया जाएगा। और खबर है दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अयोध्या को छोड़कर अभी ऐसा कोई शहर नहीं है जहां एक साथ 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हो। जनवरी में पीएम मोदी के कर कमलों से रामलला 500 वर्ष बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, ये बयान दिया CM योगी ने खुद। अच्छा आने वाले 21 जून को योग दिवस के मौके पर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 20 और 21 जून को स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, ग्रीन पार्क में एक इवेंट भी होगा, श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, हर घर आंगन योग इस थीम पर गांवों में जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। वहीं यूपी से कुछ और अपडेट देखिए आप दोस्तों, आगरा में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होगा, 16 से 20 जून तक चलेगा रथ यात्रा और इसमें देश दुनिया के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। साथ ही योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी नंद बाबा मिल्क मिशन की शुरुआत की है, इसका मकसद है उत्तर प्रदेश में गाय पालन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इस योजना पर सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट भी रखा है। अच्छा एक और नई पहल देखिए आप, अब एक क्लिक में मिलेगी गाय भैंस सहित सभी पालतू पशु पक्षियों की जानकारी। 27 जून को एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, हालांकि ये मोबाइल ऐप केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च होगा, सभी राज्यों के किसान भाई लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस मोबाइल ऐप पर पशुओं का इतिहास, उनके मालिक की जानकारी और एक विशेष ID के साथ उपलब्ध रहेगी सारी डिटेल। साथ ही इसमें पशु पक्षियों में फैलने वाली बीमारी और उनकी दवाओं के वितरण से संबंधित सूचनाएं भी पशुपालकों को मिल जाएगी। तो ये ऐप वाकई में मतलब दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्म से जुड़े किसान भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा काम का होगा। भारत एप्लीकेशन इसका नाम है, भारत ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में आखिरकार काफी दिनों बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की पटवारियों ने और अध्यक्ष ने कहा कि जनहित में फैसला लिया, आज से काम पर लौटेंगे। पिछले करीब एक महीने से भी ज्यादा समय
समय हो गया पटवारी हड़ताल पर चल रहे थे, लेकिन आखिरकार अब छत्तीसगढ़ सरकार और पटवारियों के बीच सहमति बन चुकी है और हड़ताल समाप्त हो जाएगी आज से ही। वैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक परिवार के 10 मेधावी बच्चों को 1,00,000 रुपए के चेक भी दिए कल राजधानी रायपुर में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अगले महीने 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेंगे, कांकेर में सभा को संबोधित करेंगे। 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह और 30 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ आएंगे। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में कोविड-19 में लॉकडाउन में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आदेश जारी किया, जिन भी लोगों पर लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन के केस हैं उनको वापस ले लिए जाएंगे। अच्छा खबर है दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए नए ऑफलाइन व ऑनलाइन पंजीकरण दोनों पर रोक लगा दी है। पहले 16 जून तक इस पर रोक लगी हुई थी, तो इस रोक को बढ़ाकर 20 जून कर दिया। अभी मौसम वगैरह काफी ज्यादा खराब हो रहा और तीर्थयात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया है। अच्छा कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, पूरे भारत में बंद कर देंगे फेसबुक। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिदायत दी, चेतावनी दी और कहा कि अगर फेसबुक राज्य की पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर पा रहा तो वह इसकी सेवाओं को पूरे भारत में बंद करने के बारे में भी विचार कर सकता है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में इस बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब डॉग स्क्वाड आतंकियों पर नजर रखेंगे, उधमपुर में इनकी तैनाती की जाएगी। वहीं पतंजलि कंपनी अब पाम ऑयल का भी प्रोडक्शन करेगी, जिससे कि देश के 5 लाख किसान भाई लोगों को सीधा फायदा होगा। बाबा रामदेव का कहना है कि असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 12 राज्यों में किसान पतंजलि से जुड़कर पाम ऑयल की खेती कर रहे हैं और जल्द ही 1 करोड़ पौधे तैयार हो जाएंगे, जिनसे पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी किया जाएगा। अच्छा खबर आ रही कि विदेशी निवेशकों को ये उम्मीद है भारत में जारी रहेगा विकास का दौर और सत्ता में फिर से लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का शेड्यूल भी बदल दिया गया है, अब 25 जून को नहीं होगी मन की बात बल्कि 25 जून के बजाय 18 जून को ही होगी प्रधानमंत्री की मन की बात का अगला एपिसोड। अच्छा ट्रू कॉलर अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इस पर कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी, और इतना ही नहीं रिकॉर्ड की हुई कॉल को आप ट्रांसक्रिप्ट के रूप में पूरा टेक्स्ट में भी यानी कि लिखित में भी पूरी बातचीत को पढ़ पाएंगे, किसी के साथ शेयर कर पाएंगे। ट्रू कॉलर में ये नया फीचर iOS के लिए रिलीज हो चुका है, जल्द ही एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल होगा। वैसे व्हाट्सएप भी एक कमाल का फीचर लाने वाला है, अब वॉइस नोट की तरह आप वीडियो मैसेज भी भेज पाएंगे, मतलब वीडियो फाइल भेजना अलग बात है, मैसेज भी आप वीडियो के रूप में भेज पाएंगे। ये नया फीचर भी आपको व्हाट्सएप में जल्दी देखने मिलेगा। अच्छा बड़ी खबर है, नियमों को बदला जाएगा, रैगिंग पर उच्च शिक्षण संस्थानों को अब दिखानी होगी सख्ती। UGC ने बदलाव को लेकर ये नई पहल की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होने वाली रैगिंग पर रोक लगाने के लिए देश भर की सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों को ये निर्देश जारी कर दिया कि रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स पर अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना आपको इस पर ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें डेली एक ही वीडियो में मिल जाती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो फटाफट से। और चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सराफा बाजार पर नजर डालें, सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं, तो देखिए सोने में 550 रुपए की गिरावट आई और चांदी 900 रुपए तक टूटी है। अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, वहीं चांदी 72,600 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। वहीं भारत में कोरोना के सक्रिय मामले भी अब 2067 ही रह चुके हैं, जो कि राहत की बात है। अच्छा एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक राज्य सरकार ने फैसला लिया, अब स्कूलों में RSS संस्थापक की जीवनी को नहीं पढ़ाया जाएगा, स्कूलों के सिलेबस से ही इसको हटा दिया गया। वहीं राजस्थान बोर्ड ने भी 10वीं-12वीं की स्क्रूटनी की तारीखों का ऐलान कर दिया, स्टूडेंट 19 जून तक अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं ना तो। अच्छा एजुकेशन के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए फिल्म आदि पुरुष को रिलीज से पहले ही काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लाखों की संख्या में टिकट बुकिंग रिलीज से पहले ही हो गई, एक दिन पहले एडवांस बुकिंग में ही करोड़ों रुपए कमा लिए इस फिल्म ने। IMDB पर भी इसको अच्छी रेटिंग मिल रही है 9। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में युवाओं व किसानों के लिए अलग से वचन पत्र यानी कि घोषणा पत्र बनाएगी कांग्रेस, सबको रोजगार मिलेगा, ऋण माफ होगा, लोन वगैरह भी माफ किया जाएगा, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह का। अच्छा उत्तरकाशी में महापंचायत हुई, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, टीवी डिबेट व सोशल मीडिया पर भी लगाई रोक। वहीं कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, कर्नाटक की सिद्धारमैया कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में इस नियम को कानून को लागू किया था, लेकिन कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार के इस धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। और वर्तमान कर्नाटक सरकार का यह कहना है कि अगले महीने 3 जुलाई को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक भी पेश किया जाएगा। अच्छा जो भारत का ट्विटर कहलाया जाने वाला कू ऐप है ना, उसने भी प्रीमियम फीचर लॉन्च कर दिया, यानी कू ऐप पर भी अब आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर पाएंगे, आप अपने फॉलोवर्स और कंटेंट के जरिए पैसे कमा पाएंगे, है ना। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, 40+ सेफ्टी फीचर के साथ आएगी हुंडई एक्स्टर, भारत की पहली सब 4 मीटर SUV होगी जिसके सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलेंगे। इस कार की काफी डिटेल्स को कंपनी ने अनवील कर दिया है। अच्छा आधार कार्ड को लेकर भी दोस्तों हाल ही में उदय ने ये फैसला लिया, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं, फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कराने की जो लास्ट डेट 14 जून थी ना, उसको बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया, यानी 3 महीने और मुफ्त में आधार अपडेट का लाभ ले पाएंगे आप, उदय की तरफ से फ्री सर्विस को बढ़ा दिया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश
में सरकार ने राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन किया। इन सदस्यों का 3 साल का कार्यकाल होगा और इसका कार्य क्या होगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। साथ ही हिमाचल सरकार नई पर्यटन नीति भी बनाने जा रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर्यटकों की संख्या 5 करोड़ ले जाने तक का टारगेट रखा है। अच्छा, वैसे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से भी बड़ी राहत मिली है, अब विकास कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे। लैंड डाइवर्सन के 29 मामले केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। और हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए 500 नए बस ट्रेवलर रूट भी चलाएगी सरकार, जिससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो लोगों को निःशुल्क सुविधाएं मिलेगी। आप विधायक ने दिल्ली की तरह फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी देने का वादा किया। छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पर भी लागू होगा प्रतिस्पर्धा अधिनियम। आज रिटायर होने वाले जस्टिस की तरफ से अंतिम फैसला लिया गया है कि कंपटीशन एक्ट अब सरकारी कंपनियों पर भी लागू होगा। सार्वजनिक का मतलब है ना। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा कैंसर सम्मेलन। बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से किया जा रहा 2 दिवसीय आयोजन। कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी इसमें शामिल होंगे। 17 और 18 जून को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका आयोजन होगा। अच्छा, राजस्थान में भी देखिए, अब बदलेगा बांदीकुई रेलवे स्टेशन का रूप भी। राजस्थान दौसा में अमृत भारत योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश बनेगा फार्मा का हब। योगी सरकार ला रही नई पॉलिसी, हजारों युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने घोषणा कर दी है कि प्रदेश में फार्मा उद्योग लगाने पर अब 7 करोड़ रुपए तक का अनुदान यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। नई फार्मा इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 को जल्द ही लागू किया जाएगा ना? वहीं योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। ऑनलाइन होगा 14 लाख अफसरों के कामकाज का लेखा जोखा। अब मतलब सरकारी कर्मचारियों की कम्प्लीट वर्किंग जो है ना, इसके एनालिटिक्स को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि सरकारी कर्मचारियों का काम ट्रांसपेरेंट रहे। अच्छा, इसके अलावा यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये भी लिया कि इन जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी वगैरह में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अच्छा, हरियाणा सरकार का भी बड़ा फैसला देखिए। सरकारी दफ्तरों के बाबुओं को प्रमोशन के लिए अब इंटरनल एग्जाम भी देना होगा। डायरेक्टली प्रमोशन नहीं होगा, टाइम के अनुसार है ना। वहीं मध्य प्रदेश को 2 और वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। रानी कमलापति से लेकर जबलपुर और रानी कमलापति इंदौर के बीच ये वंदे भारत ट्रेनें चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को दोनों ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ रायपुर के नगर निगम MIC का फैसला। रायपुर का VIP रोड कहलाएगा राजीव गांधी मार्ग। शहर के अवैध नल कनेक्शन 100 रुपए में वैध भी किए जाएंगे। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आप धनु राशि वालों का इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मकर राशि के लोगों को आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं मिथुन राशि के लोग आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और तुला राशि के लोगों की समस्याएं भी हल हो सकती हैं। बाकी राशियों के लिए सामान्य रहेगा आज का दिन। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि गना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे।